दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है और बुरे कर्म करने पर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस संबंध में गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटनाओं के विषय में भूत प्रेत तथा 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद पापी आत्माओं को कौन कौन सी भयानक सजाएं दी जाती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 4th अध्याय में विष्णु भगवान ने बताया है कि कौन से पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक और नरक में प्रताड़ित किए जाते हैं तथा किस पाप के कारण महान दुखदायी आत्मा वैतरणी नदी में गिरते हैं। पक्षीराज गरुड़ के प्रश्नों के उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति शुभ कर्म से विमुख हैं, हमेशा पाप कर्मों में लगे हुए हैं, वे लोग एक नरक के बाद दूसरे नरक को और एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भाई को प्राप्त होते रहते हैं। यमलोक में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं। इनमें से पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वार से धार्मिक आत्माएं प्रवेश करती हैं और जो पापी होते हैं उन्हें दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है। यमलोक पहुंचने का दक्षिणी मार्ग महादुखदायी है। इसी मार्ग में वैतरणी नदी है। रक्त से भरी इसी वैतरणी नदी में पापी व्यक्ति डूबते, उतराते और नहाते समय अनेक कष्ट पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे अनुरोध है कि भगवान राम का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के पापों के अनुरूप मिलने वाली सजाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्रों में 5 महापाप का उल्लेख है। इनमें से एक महापाप चोरी करना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो यमदूत उसे रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब तक उसे पीटा जाता है और होश में आने के बाद फिर से उसे पीटा जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण और गौ की हत्या करता है उसे वैतरणी नदी के कष्ट सहने के बाद घोर नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है। इस नदी में खून और मवाद गर्म लावे की तरह खौलता रहता है। नदी के तट पर हड्डियों के ढेर लगे हैं। पापी व्यक्ति को इस नदी को पार करके निकलना होता है, जो महापापी घर गांव या जंगल में आग लगाता है। यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंड में पकाते हैं। वह पापी अग्नि में जलता हुआ लावा पीता है। जब पापी छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे नरक नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग कट जाते हैं। यमदूत उससे शीतल छाया में सुख की नींद सोने को कहते हैं, लेकिन कटी हुए अंगों के कष्ट से उसे नींद नहीं आती। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। उस तेल के पीते ही उसकी आंतें जल जाती हैं और वह गिरकर कराहने लगता है। किसी प्रकार फिर से उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करता है। जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं उनकी आत्माओं को बंदी बनाकर अग्निवेश श्रम नामक नरक में फेंक दिया जाता है। उन्हें यहां तब तक मारा जाता है जब तक कि वे बेहोश न हो जाएं। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें मार मार कर इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त न हो जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अहिंसा का बहुत महत्व है। गरुड़ पुराण में भी यह बताया गया है कि निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बड़ा पाप है। इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा का वर्णन मिलता है। ऐसे व्यक्ति को गर्म तेल में डालकर तला जाता है और जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं उनके लिए भी कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर चीर कर खा जाते हैं। कुछ समय बाद नरक में शिकारी अर्थात उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या कर देते हैं। यहां उनके इस काम की सजा के लिए खौलते तेल में बार बार उबाला जाता है। दोस्तों, कुछ पापों की सजा इन सब सजाओं से बढ़कर है। आइए आगे जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखी उन भयानक सजाओं के बारे में।
गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। हिंदुओं का प्राचीन धर्मशास्त्र मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है उसका सम्मान किया जाता है, वहां देवताओं का वास होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मनुष्य को नरक में मलमूत्र से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है और उसे जीवित रहने के लिए वही सब खाना पीना पड़ता है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सकें, उन्हें मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अंधा मत शर्मनाक नामक सजा उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो एक दूसरे को केवल लाभ या उपभोग की वस्तु समझते हैं। संघातमक श्रम नरक में उनकी आत्माओं को मारा जाता है और यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता है। केवल यही नहीं बल्कि शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को निंदनीय अपराध माना गया है क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गंवा देना मूर्खता और अपराध बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है, उसे स्वर्ग या नरक में स्थान नहीं मिलता और न ही उसे किसी योनि में दोबारा जीवन मिलता है। ऐसी आत्माओं को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उनका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता है। इसीलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज्यादा कष्टकारी होता है। गरुड़ पुराण में अनेक पापों का वर्णन किया गया है जिसे करने के बाद व्यक्ति को वैतरणी नदी के घोर कष्ट झेलने पड़ते हैं। आइए संक्षेप में उन पापों को जानते हैं जिसके कारण आत्मा को वैतरणी नदी के कष्ट दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार बाल हत्या करने वाले स्त्री और गर्भ की जहत्या करने वाले तथा गर्भपात कराने वाले सभी पापी व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। इसके अलावा गुरु देवता बालक ब्राह्मण अथवा स्त्री के धन को चोरी करने वाला वैतरणी नदी से कष्ट पाता है। जो व्यक्ति आरण लेकर धन नहीं लौटाता, विश्वासघात करने वाला जहर देकर मारने वाला, उत्तम कुल में उत्पन्न अपनी सच्चरित्र पत्नी को द्वेष के कारण छोड़ने वाला, इसके अलावा माता पिता और गुरु को अपमानित करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में डूबते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे भी वैतरणी में डूबते हैं। दोस्तों, भले ही अपने अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। किसी के बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी के बारे में भूल कर भी बुरा न सोचें और न ही उसके पीठ पीछे उसकी निंदा करें, बल्कि जो भी आपके साथ गलत हो रहा है उसे अपने पुराने कर्मों का फल और भगवान की मर्जी मांग स्वीकार करें। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में सकारात्मकता, संतोष, प्रसन्नता और भक्ति बढ़ती जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि पापियों को मिलने वाली 5 भयानक सजाएं कैसी हैं। प्यारे मित्रों, इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए और जय श्री राम का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें।